दोस्तों, ट्रिक ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत। मैं आज फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर ज़रूर उपयोग कीजिए। आपके कुछ सजेशंस हो, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए बूस्ट ऑफ एनर्जी का उपयोग करते हैं। योर कमेंट्स आर एसेट्स टू अस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। हमें आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स एक एनर्जी प्रदान करते हैं ताकि हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड क्यू इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू हाउ मच। अभी यहाँ पर हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पी दी है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्यू दी है, तो हमें ज्ञात करना है कि क्यू इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन क्लोज द ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम पी की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डाल सकते हैं और क्यू की वैल्यू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा डालकर सॉल्व कर सकते हैं। परंतु ऐसा करके सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शंस देता हूँ। ए इज इक्वल टू पी, सेकेंड ऑप्शन है टू पी, थर्ड ऑप्शन है थ्री पी और फोर्थ ऑप्शन है टू पी स्क्वायर। तो हम पहले थीटा का माप एश्यूम करते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू एनी एंगल दैट इज 45 डिग्री। एंगल इस तरह से लेना है कि कहीं इन्फिनिटी ना आ जाए, तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा एंगल लेना, जनरली 45 डिग्रीज लिया जाता है। तो अगर एंगल अगर यह 45 डिग्री होगा तो फिर पी की वैल्यू क्या होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो पी विल बी इक्वल टू साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 वह हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 टू कैन बी रिटन एज 2/√2। तो 1/√2 कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा √2। तो पी की वैल्यू हमें पता हो गई √2। उसी तरह से हम यहाँ क्यू की वैल्यू पता करते हैं। थीटा लेते हैं 45 डिग्री, तो क्यू हमें मिल जाएगा सेक 45 प्लस कोसेक 45। तो सेक 45 होता है √2 प्लस कोसेक 45 होता है √2। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी √2 + √2 दैट इज ट्वाइस ऑफ √2। तो क्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2, बट √2 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट पी। सो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू 2p ऑल्सो। अब यह पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम इस में पुट करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं कि क्यू क्यू हो है हमारा 2√2, देयरफॉर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन विल बी इक्वल टू क्यू हमारा है 2√2। सो इट विल बी 2√2 इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर। तो पी है √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 2 माइनस दिस इज 1, सो इट विल बी 1। तो 2 - 1 विल बी 1,
सो इट इज 2√2। अभी हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे, यहाँ 2√2 आया, तो 2√2 का मतलब हो गया क्यू, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं पे भी क्यू नहीं दिया है। क्यू दिया होता तो हम यह ऑप्शन टिक करते थे, परंतु हमें ऑप्शन में है 2p और q इज नथिंग बट 2p, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, सो द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ p इज गिवन एज 2p, सो राइट ऑप्शन विल बी ट्वाइस ऑफ p। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एल, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच। हमें दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और हमें ज्ञात करना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम अगर एल की वैल्यू और एम की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व करके भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि समय बहुत लगेगा। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, जैसे पहले प्रश्न में किया वैसे ही करना है। हमें थीटा की वैल्यू एक एश्यूम करना है, कोई भी एक वैल्यू लेना है। इस तरह से लेना है कि इसकी वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनिटी ना आ जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो हम पहले एश्यूम करते हैं लेट थीटा बी इक्वल टू 45। तो कोसेक 45 और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, तो एल विल बी इक्वल टू कोसेक 45 होता है √2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2, विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। √2 विल बी द एलसीएम, हियर यू विल मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 1/√2। दोस्तों यहाँ सारी बातें आपको माइंड में करने की आदत डालना है। मुझे यह समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। √2 माइनस 1/√2 यह होता है 1/√2। उसी तरह से हम एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। एम इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सेक 45 माइनस कॉस 45, तो सेक 45 होता है √2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2, विच इज इक्वल टू अगेन 1/√2। एल की वैल्यू आ गई 1/√2, एम की वैल्यू आ गई 1/√2। इसका मतलब एल और एम में रिलेशन क्या है, दैट एल इज इक्वल टू एम। एल और एम सेम है, दोनों की वैल्यू एक ही है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो एल और एम तो इक्वल है, तो एल स्क्वायर है 1/√2, उसका स्क्वायर तो वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर भी हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में आएगा एल स्क्वायर फिर से 1/2 प्लस एम स्क्वायर 1/2 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 LCM हो जाएगा। यहाँ हम सॉरी LCM विल बी 2, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, सो विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 प्लस 2 4/2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इतना आसान तरीका है। यह सारी बातें छोटे छोटे नंबर होने के कारण हमको माइंड में सॉल्व करने की, मन में सॉल्व करने की आदत डालनी होगी,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे उतना क्विक और फास्ट सॉल्व करने की आदत होगी। एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रकार के प्रश्न एक जगह जमा करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे, उन्हें सॉल्व करना होगा, तब जाके डायरेक्ट स्टेप्स अवॉइड करके कैसे सॉल्व करना उसकी आदत हो जाएगी। तो वही आदत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच। अब दोस्तों यहां पर भी अगर हम m की वैल्यू और n की वैल्यू डालकर यहां सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई प्राप्त होगी क्योंकि सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम थीटा की एक वैल्यू लेते हैं और जैसे मैंने बताया जनरली हम थीटा इज इक्वल टू 45 ही लेते हैं। तो चलिए हम थीटा एश्यूम करते हैं कि वह 45 डिग्री का है और फिर m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m इज इक्वल टू है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कोसेक 45 माइनस साइन 45। तो कोसेक 45 होता है रूट टू माइनस साइन 45 होती है 1/√2 विच इज इक्वल टू √2 विल बी 2, 2 माइनस 1 विल बी 1/√2। चलिए ये नंबर्स बार बार आए तो याद हो जाएंगे और हम √2 - 1/√2 की वैल्यू सीधे सीधे 1/√2 लिखेंगे। अब उसी तरह से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n इज इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, sec 45 माइनस cos 45। तो sec 45 है √2 माइनस cos 45 है 1/√2। ध्यान रहे कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पे भी सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो √2 - 1/√2 फिर से हो गया 1/√2। अब इससे पता चलता है m और n में क्या रिलेशन है। तो m और n दोनों भी इक्वल है, m इज इक्वल टू n। तो चलिए हम अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यह है एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, अब m और n इक्वल हो गया तो n की जगह मैं m पुट कर देता हूँ क्योंकि m और n की वैल्यू सेम है। तो वह हो जाएगी m इंटू एम स्क्वायर, तो वो हो जाएगा m क्यूब टू द पावर 2/3 प्लस, यहाँ पर मैं n की m के जगह n पुट करता हूँ तो यह हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n, तो यह है n क्यूब टू द पावर 2/3 विच इज इक्वल टू, ये 3 एंड 3 विल गेट कैंसल क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट्स का और 3 कैंसिल हो गए और हमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब हम कर सकते हैं m की वैल्यू है 1/, या तो फिर n की जगह फिर से m पुट कर दोगे तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होगा और यह एक्चुअली होगा 2m स्क्वायर। सो 2 इंटू एम स्क्वायर दैट इज 1/√2 स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2 विल गेट कैंसल और यह हमें मिलेगा 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगला प्रश्न है इफ a इज इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा एंड b इज इक्वल टू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस फोर इंटू अनदर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस वन। तो हम थीटा की वैल्यू एश्यूम करते हैं कि लेट इट बी 45 डिग्री, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू टेन 45 माइनस कॉट 45। तो टेन 45 माइनस कॉट 45, तो टेन 45 होती है वन, कॉट 45 होती है वन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बी इज इक्वल टू साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, और 2 कैन बी रिटर्न एज √2 × √2, तो एक √2 कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा √2। तो बी की वैल्यू हमें मिल गई √2। तो चलिए अभी हम इसको हल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर इंटू अनदर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस वन। तो ए स्क्वायर है हमारा 0, ए 0 है, तो यह हो जाएगा 0 + 4 इंटू अनदर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस वन। तो बी है √2, तो हम √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो वो मिलेगा 2, तो ये होगा 2 − 1, 2 − 1 इज वन, 0 + 4 विल बी 4, तो 4 × 1 हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 4। तो दोस्तों देखिए किस तरह से आसानी होती है जब हम थीटा की वैल्यू कुछ पुट करके देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। इफ़ यू टेक थीटा एज 45 डिग्री और एनी अदर एंगल, सिर्फ हमें देखना है कि वह इन्फिनिटी न आए। और यहाँ थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर इसमें डाल दे और सॉल्व करे तो सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी, इतने आसानी से हल नहीं होगा। हम √2 0 √2 2 1/√2 आसानी से मेंटली कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने होंगे ताकि माइंड में मेंटली ओरली कैलकुलेशन करने की आदत डेवलप हो जाए। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप यही है और उसी प्रकार का हमें सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, टेन अल्फा इज इक्वल टू एन टेन ऑफ बीटा एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू एम साइन ऑफ बीटा, और हमें पता करना है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग एंगल है, अल्फा और बीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ दो एंगल एश्यूम करने पड़ेंगे, अल्फा की वैल्यू लेंगे और बीटा की वैल्यू लेंगे। तो हम पहले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर हम एन फाइंड करेंगे और एम फाइंड करेंगे, इसमें रिप्लेस करके उसे सॉल्व करेंगे। तो टेन 30 की वैल्यू लेते हैं, टेन 30 की वैल्यू होती है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू एन टेन ऑफ बीटा, तो टेन अल्फा यानी टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, विच इज इक्वल टू एन इंटू टेन 45, तो टेन 45 है वन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो हमें एन की वैल्यू मिल गई। अब चलिए हम
एम की वैल्यू फाइंड करते हैं, दिया है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एम साइन ऑफ बीटा। इस इक्वेशन में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा है 30 डिग्रीज और बीटा है 45 डिग्री, तो साइन 30, तो साइन 30 होता है 1/2 विच इज इक्वल टू साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एम इंटू 1/√2, तो एम की वैल्यू हो जाएगी √2/2। तो इसे हम और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, या √2 की वैल्यू होती है √2/√2, तो 1√2 कैंसिल हो जाएगा और दिस कैन बी रिटन एज 1/√3 ऑल्सो। तो चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1/(n²-1)। तो यह सॉल्व करने पे हमें मिलेगा एम स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/(2) का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 1 2 2 2 4, तो यह हो जाएगी वैल्यू 1/2 माइनस 1/(n²), तो एन स्क्वायर हो जाएगा 1/3 माइनस 1। तो न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो मिलेगा एन 1-2 दैट इज 1-1/2, और यहाँ 3 1 3 1-3 हो जाएगा -2/3। अब ये रेसिप्रोकली मल्टीप्लाइड होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 3/2, तो एम स्क्वायर माइनस 1/(n²-1) की वैल्यू हो जाएगी 3/2। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं, अल्फा बीटा जो भी एंगल दिए है उसे अश्यूम कर लेना, इस तरह से अश्यूम करना कि कहीं इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आए, वह आ जाए तो फिर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड ही नहीं है उसे सॉल्व कैसे करोगे। तो चलिए आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो आपके पास कोई अलग टेक्निक होगी तो उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर कीजिए, ताकि वह सभी को पता चलेगी और सभी को उसका उपयोग होगा। तो आपके लिए स्क्रीन पर यह प्रश्न है, कॉट थीटा, इफ कॉट थीटा इंटू ब्रैकेट 1+sin θ क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 4m एंड कॉट थीटा इंटू ब्रैकेट 1-sin θ इज इक्वल टू 4n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दिया है कॉट थीटा इंटू ब्रैकेट 1+sin θ क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 4m एंड कॉट थीटा इंटू ब्रैकेट 1-sin θ क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू 4n, और हमें ज्ञात करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों इसे जरूर जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितनी पसंद आई है, या आपके कोई अन्य सजेशंस हो तो भी शेयर कीजिए, मैं उस तरह से इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ रूम टू इम्प्रूव। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच friends, you might have enjoyed this video, then go to thumbs up button and click, then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google+, and many more, and to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.